अभी ना दोस्तों बहुत ही प्यारी धूप आई है और हमारे टर्टल्स हमने धूप में बाहर छोड़ दिए। सुबह से लेकर यार थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो अभी मौसम जाके थोड़ा बहुत खुला है और देखो यार मौसम बहुत ही हैप्पी है। और पता नहीं यार हमारे सारे पिजन नीचे बैठे हैं धूप सेकने के लिए। देखकर कैसे धूप सेकते हैं ये पंख निकाल कर। ध्रुव ने देखा है? देख हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों आज हमें ये वाले टैंक का सेटअप कंप्लीट करना है, मतलब मैं आज हमारे फार्म जाऊंगा और वहां से वो आपको बोला था मैं ये पत्थर हम लाने वाले और ये टैंक में तो कोई और टैंक करने वाले थे बट हमने ये टैंक वाला फिक्स किया है। अभी तो फिलहाल के लिए मैंने ब्लू वाटर यहाँ पे मिक्स किया, मतलब ब्लू लिक्विड मिक्स किया है क्योंकि ना हमारे थोड़ी शॉर्ट टेल्स है ना थोड़ी इसी तैरने में थोड़ी स्लो तैर रही थी और उसको थोड़े व्हाइट स्पॉट भी आए थे, तो वही मैंने सोचा कि यार ब्लू लिक्विड वगैरह इनको अच्छे से ट्रीटमेंट दी जाए और इनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। अभी हमारे शॉर्ट टेल्स बहुत अच्छे हो गए। देखो ये मुझे गिफ्ट आया एक वाला, ये वाला पेयर देखो, मेल भी ठीक हो गया और हमारी फीमेल भी ठीक हो गई। तो अभी हमें जाना है ध्रुव सुनना, अपन वो लेके आते चल। क्या भाई? वो टैंक का सेटअप जो होता है ना भाई पत्थर वगैरह अपन जाने वाले स्टोन वगैरह लेके जाने। चल चल चलते। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं और यहाँ का नजारा बहुत ही प्यारा है। ध्रुव सुनना भाई, ये वाले जो पत्थर है ना नीचे ग्रीन वाले वो अपने को उठाने हैं। ठीक है, तुझे पता है ना अपना टैंक सेटअप में डालने, वो आप कितनी बड़ी बेस है देख। चलो अभी जल्दी ध्रुव आके संभाल के। हाँ यहाँ पे टैडपोल्स भी यार अभी बड़े हो गए, यार तब छोटे थे अभी देख कितने बड़े हो गए। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ के टैडपोल्स कितने बड़े हो गए, पिछली बार आया था ना इतने इतने से थे यार, अभी देखो कितने बड़े हो गए। अभी ये थोड़े दिनों में ना ये बड़े मेंढक बनकर भाग जाएंगे यहाँ से। कितने सारे देख ध्रुव, मछली अलग रही ना ये। वही लग रहा है भाई। अभी ध्रुव सुन मेरी बात, अपने को ना यहाँ से ना फ्रेश मतलब जो स्क्वायर वाले जो पत्थर आते हैं ना, ये कैसा स्क्वायर वाला है, ये सारे उठा लेते फिर अपने लेके जाते और हमारे टैंक में हम सेटअप ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये वाला जो पत्थर है ना यार बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है यार, सारे पत्थर सॉफ्ट है, दिखने के लिए बहुत ही अच्छे है। इनको तो पूरा नेचुरल ही आया है। देखो भाई मैं इनको ना हल्का सा यहाँ पे ना ऐड ये करूंगा ना तो ये टूट जाएगा। ये देखो भाई, ये देखो भाई टूट गया, लगे टूट जाते हैं भाई। ध्रुव संभाल के डालना, मतलब फूटने नहीं चाहिए यार, अपने को पूरा स्क्वायर ही चाहिए नहीं तो अपना सेटअप पूरा बनेगा नहीं यार। तो यहाँ से दोस्तों हमने पत्थर ले लिए और ये आखिरी यार ये भी डाल देते हैं। इतने सारे पत्थर ध्रुव धीरे और इतना दूर नहीं जाना है अपने को। हमारा काम हो गया भाई, हो जाएगा नहीं बहुत हो जाएगा भाई। तो चलो यार दोस्तों अभी हमारे यहाँ का काम हो गया, अभी हमें सिर्फ मिट्टी के वो ये लेने मटके वो लेने। चल बफेलो बाय बाय, बफेलो तो अभी चारा खाने में व्यस्त है। तो दोस्तों हम यहाँ से अभी मट्टी के जो बर्तन आते हैं वो ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ मटकियाँ वगैरह छोटी साइज की हमें अच्छी लगी है और एक जो बहुत ही छोटी साइज की, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी तो हम ये भी अभी लेके जा रहे हैं हमारे सेटअप पे। तो चलो जल्दी जल्दी मैं अभी यहाँ से अच्छे अच्छे निकाल लेता हूँ। फाइनली दोस्तों अभी हम घर पे आ गए और हम इतनी सारी मटकियाँ लेके आ गए यार, ठीक है ना। ये छोटी वाली भी लेके आए और ये थोड़ी बड़ी वाली। ध्रुव अभी इस मटकियों का हम सेटअप करेंगे, छोटी वाली देखते हैं यार कौन सी एडजस्ट होती है। पहले ना हम सारा पानी निकाल लेते हैं टैंक का। अभी क्या करते हैं ना दोस्तों हम यहाँ का सारा पानी अभी निकाल लेते और ये सारी की सारी फिश हमारी जाने वाली है हमारे साइड वाले पॉन्ड में, ठीक है। इनका जब तक सेटअप नहीं बनता है तब तक वहाँ पे रहेंगी और ठीक है। और हाँ यार एक मिनट में एक बात कहना भूल गया भाई, अभी हमारी गप्पी मौली वगैरह ये यहाँ पे नहीं रहने वाली भाई, फिश रूम में हमारी ये फिशेज नहीं रहने वाली है, यहाँ पे हमारी आने वाली है सिकलेट, ठीक है। ये अभी बनेगा हमारा सिकलेट का टैंक। तो ये देख सकते हो यार अंदर से कितना क्लीन दिख रहा है यार ध्रुव, बहुत क्लीन है, पूरा क्लीन है ना, इतना भी खराब नहीं हो रहा वाटर यार।
मतलब हमारा वाटर ज्यादा खराब नहीं होता यार, मतलब हमने जो स्पॉन्ज फिल्टर यूज किए ना इसी की वजह से हमारा वाटर ज्यादा खराब नहीं होता। इनमें तो हमने इतने सारे अलग अलग फिश रखे, तभी भी वाटर जैसा का वैसा, गोल्ड फिश रखे अलग अलग वैरायटी के, कितने सारे रखे दू, सिर्फ ये दो स्पॉन्ज फिल्टर लगाए थे तो उसी की वजह से इतना पानी क्लीन है यार। और बाहर से थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा है क्योंकि ना थोड़ी बहुत अलगी लग चुकी है यार, अलगी भी हमें साफ करनी होगी। ध्रुव अभी ये टैंक हम यहाँ से उठाएंगे और ये फिश में ना वहाँ पे छोड़ के आता, तो पकड़ कर वहाँ पे छोड़ता तो तब तक टैंक इतना क्लीन कर लेना। ओके तो देखो यार इस वाले टैंक से हमें ना इतनी सारी फिश मिली। यहाँ पे ना यहाँ पे हमारे कॉरिडोर्स 1, 2, 3 है और दो डम्बू और गप्पी फिशेज के दो मेल है और हमारे शॉर्ट टेल फिश का पेयर है, बाकी हमारे मौली फिशेज के बेबीज है और कुछ हमारे गप्पीज के बेबीज और दो वाइट टक्सडो के फीमेल्स है। तो चलो अभी मैं इनको बड़े वाले पॉन्ड में छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों मैं टर्टल्स के पॉन्ड में इनको छोड़ रहा हूँ। टर्टल्स को अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे नहीं रखने वाले क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश चल रही है, तो यार बारिश से हमारे टर्टल्स को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है यार, इसी की वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसी की वजह से हमारे फिशेस अभी यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। अभी इनका टेम्परेचर भी कंप्लीट हो गया, मतलब 10 मिनट्स मैंने इनको रखा था, तो अभी इनको मैं छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे एक छोटी स्नेल भी है, तो ठीक है अभी जैसे इनका पॉन्ड वगैरह रेडी हो जाएगा हम इनको उनके पॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी ना दोस्तों ध्रुव ने क्या किया, सारे के सारे ग्रेवल्स यहाँ पे निकल लिए और यहाँ पे देखो टब भर पानी निकला भाई, इतना बड़ा टब। ध्रुव देखना पूरा टब भर गया इस टैंक से यार, इतना पानी हो पानी। तो ग्रेवल्स भी सारे के सारे भी क्लीन है, थोड़े बहुत धो लेंगे उसके बाद हम टैंक में फिर ऐड कर देंगे। और देखो भाई सेटअप देखो यार, सेटअप एकदम खतरनाक होने वाला है, मतलब हम जब चलते हैं ना अंदर अंदर आते हैं यार, ये पैर के नीचे आ जाएंगे यार एक दिन ही। और अभी हमें यहाँ पे हमारा टैंक रखना है, ये भी अच्छा क्लीन कर देता हूँ मैं, बहुत धूल धूल हो गई यार यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ से भी विंडो है, यहाँ से भी विंडो है, थोड़ी बहुत यहाँ से भी धूल आती है, धूल धूल धूल। ये देखो यार जितना मैं झटक रहा उतना कम है यार। चलो कोई नहीं अभी ये हो गया क्लीन। सबसे पहले ना यार यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, टैंक रखने से पहले आपको एक अच्छे भाई अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है ना। टैंक आप जिधर भी रखते हो ना उसके नीचे की जो जगह ना अच्छे तरीके से साफ कर लेनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना भाई टैंक लीक भी हो सकता है आपका, क्योंकि जो कंकड़ वगैरह आ जाते हैं छोटे छोटे वो भी टैंक को लीक कर देते हैं। मेरे साथ बहुत टाइम हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ ना भाई पहले पूरा का पूरा मैं जो भी टैंक रखने से पहले करता हूँ ना भाई पूरा का पूरा अच्छे से क्लीन कर देता हूँ, फिर हमारा मैं टैंक रखता हूँ। तो यार अभी हम टैंक ही क्लीन करने गए तो यार अभी भी देखा यार अभी छोटे छोटे बेबीज निकल रहे हैं यहाँ से, कहाँ पे देखे गप्पीज के बेबी ध्रुव। हाँ गप्पीज के यार, यार यहाँ पे पता नहीं यार गप्पीज ने बेबी दे दी हमारे जो टक्सीडो। ध्रुव तुझे पता है सुन मेरी बात, ये जो बेबीज है ना हमारे टक्सीडो फीमेल और हमारे डम्बो ईयर गप्पी फिश के बेबीज है, ठीक है ना, इनको हाँ संभाल के रखेंगे यार, काफी छोड़ रहे। हाँ उस बाल्टी में रख दे, आ जा भाई आ जा आ जा आ जा, खा लो मैं। ये लो जी मैंने पकड़ लिया, कितना क्यूट है यार, छोटा सा गप्पी फिश का बेबी है। चल भाई तुझे अभी छोड़ देता हूँ बड़े पानी में। जा भाई जा, सुन रहा है ओ भाई उसकी वॉइस देख यार। तो यार दोस्तों अभी हमने टैंक अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, थोड़ा बहुत मैंने अलगी वगैरह रहने दिया क्योंकि फिशेस के लिए अलगी अच्छा रहता है, मेरे फिशेस के लिए अलगी बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखो यार पूरा ग्रीन हो चुका है यार। तो ना दोस्तों मैंने यहाँ पे हमारा टैंक रख दिया है, थोड़ा बहुत पानी भरने से क्लीन हो जाएगा यार। और मैंने पहले मटकी भी रख दिया पहले यार, हमें अंकल जो मटकी वाले अंकल क्या बोले कि भाई ये जो मटकी है ना आप अच्छे से धो लो यार, नहीं तो पूरा पानी ले रेड कर देगी यार। मैंने अभी मटकी धोआ तो ध्रुव पूरा पानी लाल हो गए, देख ये देख इधर बाहर बाहर ये देखे, मैंने अभी मटकी धोआ ना पूरा पानी लाल हो गया, इसको भी धो दे थोड़ा पानी रेड होगा देख। और ये भी अभी हमारी ग्रेवल्स अच्छी हो गई ध्रुव, एक मिनट इधर करेंगे अभी देखे पूरा लाल पानी हो जाएगी, पूरा लाल हो रहा है ना पानी, पूरा लाल हो रहा है भाई। अभी पूरा कलर निकल लेंगे फिर अपन फिश टैंक में ऐड करेंगे, ठीक है भाई, नहीं तो पूरा पानी लाल हो जाएगा फिर कोई फायदा नहीं होगा टैंक सेटअप करने का। हाँ तो ना दोस्तों ये वाला जो सेटअप हम बना रहे हैं ना भाई ये टोटली अलग होने वाला है भाई, हम पहली बार ऐसा सेटअप कोई बना रहे यार, मेरे दिमाग में बहुत अलग ही चीज चल रही है यार, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है ये जो ग्रेवल्स है ना ये भी अच्छे से धो लेने, नहीं तो ऐसे नहीं ऐड कर सकते यार क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरह के कीड़े भी हो सकते यार, क्योंकि हमने डायरेक्ट वहाँ से उठा कर यहाँ पे लाए, तो इसे अच्छे से धो लेंगे फिर हम हमारे टैंक में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ना दोस्तों मैंने पहला वाला जो लेयर है मैंने यहाँ पे रख दिया, उसके बाद अभी मैं और एक लेयर रखूँगा, उसके बाद हम मटकियाँ रखेंगे क्योंकि हमारे जो सिकलेट फिश होंगे ना उनको थोड़ा बहुत हाइडिंग प्लेस भी चाहिए यार। ये देखो हाइडिंग प्लेस के लिए बड़ा मटका बहुत ही अच्छा होगा, और थोड़े बहुत जो अलगी वाले जो पत्थर है ना ये और अच्छा लुक दे रहे हैं यार, ठीक है ना, पानी भरने के बाद तो और अच्छा लगेगा। अभी तो मैं ये देखो यार ये थोड़ा सा निकल गया है क्योंकि ना लाते वक्त हमने ना थोड़ा अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तो यार सारे पत्थर ना खराब हो चुके, जो खराब हो गए तो हम फेंक देंगे, बाकी जो अच्छे ना हम अच्छे से यहाँ पे सेट कर देते हैं।
तो फाइनली दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद मैंने हमारा टैंक कंप्लीट तो नहीं किया बट कर लिया यार, 80% तो कंप्लीट हो गया है फिशेज को छोड़ गया। तो ऐसा कुछ लुक आया है, तो ये देख सकते हो यार, ये है हमारे न्यू चिलचिली फिश, हमारे चिकलेट फिशेज का सेटअप। मतलब अभी तो नहीं है यार हमारे पास, हम जब कुर्दा फिश मार्केट जाएंगे ना तब हम वो फिश लेके आने वाले। तो देखो यार कितना क्यूट बना है। यहाँ पे मैंने मटकियाँ रखी है उनको हाइडिंग प्लेस के लिए, और कुछ ग्रेवल्स रखे हैं, और यहाँ पे ग्रेवल्स नहीं सॉरी स्टोन्स है, और यहाँ पे मैंने ग्रेवल्स रखे हैं। तो देखो यार कितना क्यूट लग रहा है यार ये देखने में, वाओ। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टैंक है, ठीक है ना, 2 फुट का टैंक है यार, 2 बाय ऐसे कुछ, मुझे अंतर नहीं पता इसका, 18 इंच कुछ तो है यार ये। तो चलो अभी मैं ना ध्रुव को बताता हूँ यार, ध्रुव को पता नहीं यार, ध्रुव ना कब का मटकिया ही धोते जा रहा है। ध्रुव सारी दुनिया की मटकिया धोई का क्या भाई, चलना टैंक देख ले, टैंक तो देख ले यार। अच्छा चल देख ले भाई, पूरा देख ले पहले भाई। अच्छा तो लग रहा है ये, लेकिन ये गिरेगा तो नहीं ना? अबे कैसे गिरेगा, तू हाथ लेगा के देख। हाँ भाई बहुत अच्छा है भाई, तो भाई मैंने बनाया है, मैंने सोच समझ कर बनाया, सोच समझ कर बनाया भाई। ये गिरेगा तो हमारे टैंक को तू ये पोस्ट हाँ सकता यार, इसी की वजह से भाई मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा यार, क्योंकि ना ये ऊपर ऊपर आ रहा था तो ये थोड़ा ना हिल भी रहा था यार, तो मैंने इसको प्रॉपर एडजस्ट कर दिया अभी, तो अभी ये प्रॉपर एडजस्ट हो गया यार, बड़ी मेहनत लगी है। अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, तुझे पसंद आया बहुत। अच्छा फिर हमें यहाँ सारा फिश रूम में ऐसे ही करना है भाई, ठीक है ना। ओके भाई, ऊपर आया था पानी लगाने के लिए बट अभी हमें ना नीचे से ही ले लेते, क्योंकि हमारी गलती तो बड़ी है, बड़ी होने की वजह से आ जाएगा। दूर पानी स्टार्ट कर दे फिर, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, विंडो से। ओके छोड़ दे अभी चालू कर दे तू वहाँ से। ओके बस परफेक्ट है, यहाँ पे आ जाएगा अभी पानी। तो फाइनल वाला लुक हमारे टैंक का आप देख सकते हो। तो ये है दोस्तों हमारे चिकलेट फिश का टैंक सेटअप। ध्रुव कितना अच्छा लग रहा है ना यार, अच्छा लग रहा है भाई। तो ये तो हमने ऐसे टाइम पास के लिए बबल्स हमने स्टार्ट किए हैं, बाकी तो ये बंद ही रहेगा, ये सिर्फ हमने थोड़ा बहुत ऐसा दिखावा किया है। कैसा दिख रहा है यार टैंक, आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। और इसका जो स्पॉन्ज फिल्टर हमने पीछे लगवाया है भाई, ऑक्सीजन मैंने सबसे लास्ट लगवाया ध्रुव, ठीक है ना, मैं भूल गया था भाई इस ऑक्सीजन लगाने के लिए, तो मैंने फिर से सोचा यार कुछ कमी है, तो देखा यार स्पॉन्ज नहीं लगाया, तो मैंने देखा पीछे मैंने ऐड कर दिया फिर। तो ये बंद करते ही हमारा स्पॉन्ज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बंद करने का क्या है कि इसे यहाँ से बंद करने का, और ये अभी बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद पीछे हमारा स्पॉन्ज फिल्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये है हमारा चिकलेट सेटअप। तो आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट्स करना, ठीक है ना। और ये जो छोटी मटकी है ना ध्रुव के कहने पे लगाई, ध्रुव भाई बोला कि भाई ये लगा दो अच्छा दिखेगा, तो आपको ये अच्छा लग रहा हो तो हम ये रहने देंगे। ध्रुव ये तो अच्छा लग रहा है यार, कोई बहुत अच्छा लग रहा है भाई। क्या भाई टर्टल्स अंदर रख दिए? हां भाई ओके। तो दोस्तों हमारे चिकलेट का सेटअप आपको कैसे लगा मुझे आप जरूर कमेंट से सजेस्ट करना, और कोई चेंजेस करने हो तो आप मुझे सजेस्ट करना। और देखो भाई अभी चांद भी निकल आया है और सूरज भी अभी ढलने लगा है। तो ठीक है यार, इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।